नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में उधार के साथ घटाव करना सीखेंगे। गैफी के स्कूल में कल गणित की परीक्षा है। गैफी परीक्षा के लिए कुछ प्रश्नों को हल कर रही है कि वहाँ जोई आ गया उसके साथ खेलने के लिए। गैफी, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? नहीं जोई, कल मेरी परीक्षा है और मुझे कुछ प्रश्नों को हल करना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ गैफी, बिल्कुल करूंगा। बच्चों, ये रहा गैफी का पहला प्रश्न। एक डिब्बे में 17 पेंसिल रखी हैं। 8 पेंसिल पिंकी ने ले ली। अब डिब्बे में कितनी पेंसिल बची हैं? बच्चों, क्या आप इस प्रश्न को हल करने में गैफी और जोई की मदद करेंगे? बहुत बढ़िया। जैसे कि हमें यहाँ बची हुई पेंसिल का पता लगाना है, हम घटाव का इस्तेमाल कर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहले हम इकाई की संख्याओं का घटाव करेंगे, लेकिन 7 8 से छोटी संख्या है। अब मुझे क्या करना चाहिए? गैफी, हमें दहाई वाली संख्या से एक संख्या उधार लेनी होगी। इस तरह 7 बन गया 17। अब 17 से 8 घटाव हुए 9। 9 को हम इकाई वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। चलो अब दहाई भाग की संख्याओं को घटाते हैं। दोस्तों, दहाई वाले हिस्से में अब कुछ भी घटाव करने को नहीं है, क्योंकि हमने उसकी एक संख्या उधार ली थी और दहाई भाग में केवल एक ही संख्या थी, इसलिए उत्तर होगा 9। डिब्बे में 9 पेंसिल बची हैं। अरे वाह जोई, हमने प्रश्न हल कर लिया, पर अब मुझे एक और प्रश्न हल करना है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक बिस्कुट के पैकेट में 15 बिस्कुट हैं। एक चूहे ने 6 बिस्कुट खा ली। पैकेट में अब कितने बिस्कुट बचे हैं? बच्चों, इस वीडियो में हमें बचे हुए बिस्कुट की संख्या का पता लगाना है। हम घटाव का इस्तेमाल कर इसको हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम इकाई वाले भाग में लिखी संख्याओं को घटाएंगे। यहाँ 5 6 से छोटी संख्या है, इसलिए हम यहाँ भी दहाई में लिखी संख्या से एक संख्या उधार लेकर इस प्रश्न को हल करेंगे। उधार लेने से हमारी 5 की संख्या बन गई 15। 15 घटाव 6 हुए 9। उत्तर को इकाई वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। 15 घटाव 6 हुए 9। अब दहाई के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर है 9। पैकेट में 9 बिस्कुट बचे हैं। रात काफी हो गई है और जोई को भी अपने घर वापस जाना है। गैफी को एक आखिरी प्रश्न हल करना है। बच्चों, क्या आप गैफी का यह आखिरी प्रश्न हल कर सकते हैं? एक पत्र में 16 प्रश्न हैं। चीकू ने 8 प्रश्न हल किए। चीकू को अभी कितने प्रश्न हल करने हैं? बच्चों, इस प्रश्न में घटाव करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 20 तक उधार के साथ घटाव करना सीखा।